हेलो गाइस, तुम तो हाय गाइस बोलने वाले, हाय गाइस आपने बोल दिया। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप। तो आज है सृष्टि की बेटी का नामकरण और हम लोग सब वहीं पर जा रहे हैं। मैं हूँ, चिराग है, सोनल है और रितिका जो है वो एज यूजुअल लेट है और वो वहीं पर पहुँचेगी डायरेक्टली सृष्टि के घर पर। तो हम लोग बिना देरी करे फटाफट निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम कोई और लेट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं हम। रितिका की बेचारी के हर बार ये बोल रही थी कि रितिका की वजह से लेट हो रहे हैं, लेकिन असलियत और कुछ है। देख रहे हो, असलियत ये है लेट होने की। ये नेल पेंट लगा रही हैं जाने के वक्त, जब इनको पता है कि हम लेट हो रहे हैं। अबे तो नेल पेंट लगाना कितना, 2 मिनट का काम नहीं है नेल पेंट। 2 मिनट हम बाहर बैठे हैं वहाँ पे सोफे पे, इनका वेट कर रहे हैं कि कर क्या रही हैं, और अंदर आके देखा तो नेल पेंट लगा रही हैं। सबूत क्या है बता? सब ये वीडियो से बड़ा कोई सबूत है? ये सबूत की तो 2 मिनट से वेट कर रहा है बाहर। सबूत क्या है? सोनल कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी, हम बहुत देर से बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ, ये सबूत है बस। कुछ भी क्या मेरे से ज्यादा सच कहेंगे बहुत। ये हमारी सच्ची औरत है हमारी भाई। और कितना टाइम, जितना टाइम मुझे नेल पेंट लगाने में लगा ना उतना टाइम। गाइस, इतने तो उनके नखून भी बड़े नहीं है जितने इन्हें टाइम लग रहा है। चलो अभी ना बोल रहे हैं। गाइस, इन्होंने नेल पेंट लगा ली है, 10 मिनट बाद हम निकल रहे हैं। 10 मिनट में इनकी नेल पेंट लगी है। अभी ये लेट लगा रही हैं। यही गिरा, लेट तो इसलिए होता है हम, यही गिरा दिया इन्होंने। जुगाड़, यूपी में कहते हैं जुगाड़। चलो, इसलिए मुझे लिफ्ट सबसे ज्यादा बेकार लगती है। यहाँ पे 4 लिफ्ट हैं, चारों नीचे जा रही हैं और हम 18th फ्लोर पे हैं। तो हम लेट हो चुके हैं और पूजा अभी चल रही है और अब हमें मार पड़ने वाली है। भाव का मुखा में हूँ, भाव ही संसार है, भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार। भगवान को मनाने के लिए कितना पैसा खर्च करके शोभित चंद्र तलम, कार धात्वाभिधार तो व्यारी तलम, प्रणमा मेघनाधिपति जटिलम, बंदहु शंभु भवानी के नंदन आनंद कंदन कंद पति जो, अदीनन दायक रिद्धि वो सिद्धि की है गण नायक मुपे पति जो, बुद्धि के दाता गजानन आनने, मोरी को बुद्धि को सुबुद्धि की जो, मूसा से वाहन छोड़ी विनायक, पूजा में आई के आसन लीजो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्मै हरि ओम। जो नामकरण के नीचे जो है वो नाम छिपाया हुआ है। हमें तो पता ही है, हमें तो पता ही है क्या है। तो अभी पूजा चल रही है और पूजा के बाद नाम बताया जाएगा और रिवील किया जाएगा। हे वरुणाधिप ध्यान धरो, जग में जल जीवन देव निहारे, की जो कृपा जगति तल पे, पशु मानव दान मोहि सुखारे, सिंधु शनि सिंधु समेत लिए सरिता, और दिव्य तरंग उमंग समारे, जोरे के हाथे कहे जजमान, पधारो यहाँ जगन्नाथ हमारे ओम भूर्भुवः स्वः गंगा सिंधु सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी महेंद्र तनया चरमती वेदिका क्षिप्रा गया गंडिका पावन पवित्र तीर्थ अस्त्र स्मरण पावन नगरी हेत भक्त मोक्षदायिनी सा तीर्थ असुर सहितो हम आगंगे सहितार्थम पूजार्थम सकल कामना सिद्धार्थाय समर्पयामि श्री। लेकिन भौतिक कर्म से आप अपने भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। यदि कोई सोचे कि भौतिक कर्म से भाग्य में परिवर्तन करने तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्म दो बनाए गए हैं, कौन कौन से? भौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कर्म तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन करता है, भौतिक कर्म तुम्हारी सैलरी में परिवर्तन करता है ना। जितना मेहनत करोगे, इतना पढ़ लिख करके जाओगे, अच्छा इनकम करोगे, हमें तो नहीं। और जो अध्यात्म कर्म अच्छे नहीं, इसको आध्यात्मिक कर्म, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा नियम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा दान, क्या है ये सब जो अध्यात्म को जोड़ता है, जो अंतर आत्मा से तुम्हें जोड़ता है, ये अध्यात्म होता है। अंतरात्मा से जुड़ गए, ठाकुर जी की सेवा में लग गए, जिन जापे कृपा राम पे हुई तापर कृपा करे सब सामने उसकी कृपा हो गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कितनी देखो कितना सिंपल सी बात है, ईश्वर कर लेते हैं, लास्ट में कहते हैं हर हर महादेव। क्यों कहते हैं? मेरे को तो लेने नहीं आया था ये इंसान, रितिका को लेने गया, देख लो भाई, बोलो, मेरे को तो लेने गया एज यूजुअल लेट, लड़कियों को लेने ऐसा ही होता है, लड़कियों को लेने जाओ और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, लड़कियाँ सीट इसने ले ली। पूजा में ध्यान दे, पूजा में। इतनी मोटी हो गया तुम, ताही महाप्रभु मारी भगाओ, जो धर ध्यान करे पूजा, ताके धन धान्य और सुत बढ़ाओ, बिनती हमारे यही हनुमान जी, छोड़ के खड़ी तुम यहाँ चली आओ, कि वेदी प्रधान पे देव प्रधान कृपाकारी के अब आई पधारो, देवाने के सके सर्वेश हमें हव सिद्धि के पारे उतारो, पूजा क्रिया को पूरी करो। चंदनम कंदनम गंधर्वम बिलेपरम सुश्रेष्ठम समर्पयामि गोब्रह्मण्ड देवाय गोब्रह्मण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यथार्थ देवाभ्यं पूजनं समर्पयामि अक्षतान् श्रयतोऽहं पूजनं समर्पयामि। बदमाश था नहीं कहां जाना है। ओम भूर्भुवः स्वः सर्वदेवादि इति प्रतिष्ठिताभ्य नमः सुगंधित इत्राणि समर्पयामि। सभी देवताओं ये देवताओं वाली खुशबू है। पुच्ची तुझे नहीं पुच्ची जबरदस्ती की दी है मासी। मासी इसमें थोड़ा सा नीचे सामग्री अच्छा शायद मैंने हाथ दिया इस वजह से नहीं आया। नहीं नहीं मेरे पास जब वो रहता ना तो मेरे पास नहीं आता वो, और जब वो नहीं, हाँ, और जब वो नहीं रहता तब आता है मेरे पास। क्या बात है, जब तो ज़्यादा ही प्यार हो गया। सर्वे देवाधिपतये नमः पूज्यते सुरसुतं कुंकुमाग्रेणां परमेश्वराय नमः स्वाहा। एक एक लकड़ी जैसे जैसे मैं बताता हूँ उसको ढूंढ ढूंढ करके, और जिस ग्रह के नाम से मैं करूँगा उसका आम की लकड़ी सूर्य के लिए निकालेंगे। समर्पयामि इदं सा संविधाम समर्पयाम्यो नमः स्वाहा। पूरा चढ़ा दो ना, दूसरी लकड़ी दूसरी निकालोगे ढाक। वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। नमः प्रजापते देवता व्योम इदं प्रजापते सहितोहम इदं पूर्णाहुति साष्टाभिक्री से इदोहम समर्पयामि। समस्त देवी देवता कुल देवता ग्राम देवता पितृ देवता जो भूला विसरा महाराज आकर के अपने पूर्णाहुति स्वीकार करो, सुख शांति प्रदान करो, सब प्रकार की रक्षा करो। बहुआत शक्ति गंगा मैया दर्शन दियो, लक्ष्मी जी सदा वास करो। पूजार्थम मनोकामना पूर्ण विधाय पूर्णाहुति साष्टाभिक्री से इदोहम समर्पयामि। स्वाहा। और दादी पहले कोई पूजा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो व्यापे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का स्वामी। संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद्रे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जयकारा ये वीरभद्र की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शो निर्भय बोल शक्ति सनातन धर्म की जय। भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। लाडली लखन लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। उमापति रामचंद्र की जय। रावण की बलदावली की जय। भाई सब संतन की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। दुर्गा मैया की जय। सरयू मैया की जय। माता पिता की जय। गोविंद भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। रामचंद्र महाराज की जय। काराशिरावालिका बोलो साचे दरबार की जय। गंगा मैया तेरी सदाई, उसले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जातक का नाम रखने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनना जिनको सुनना होगा। गणेश भगवान को साक्ष्य मान करके प्रथम पूजा करके, अग्निदेव पंचदेव को साक्ष्य मान करके और हम रितिका का नामकरण करने जा रहे हैं। बहुत प्यार से सुनिएगा। जातक का जन्म हुआ है 6/11/2023 दिन सोमवार, समय 1:08 PM। जब ये समय था तो ग्रह गोचर का विवरण सुनिएगा। उस समय ग्रह गोचर नक्षत्र योग क्या था वो सब सुनिएगा। जब ये इस समय पे यानी 1:08 PM पे वर्तमान समय में अश्लेषा नक्षत्र चल रहा था। कौन सा नक्षत्र? अश्लेषा नक्षत्र। ये नक्षत्र मूलों का माना जाता है। जब तक नामकरण हो चुका होता है 1 महीना पुरानी हो गई होती है। अब ये नामकरण रखा जा रहा है। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये कीड़ा होता है कि मूलों में बच्चा पैदा हुआ है तो 27वें दिन नामकरण होता है। बहुत लोगों के मन में कीड़ा होता है ये। तो इसका समाधान मैं आज कर दूं कि कोई जरूरी नहीं है कि 27वें दिन ही होता है, क्योंकि टोटल नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27। टोटल नक्षत्रों की संख्या कितनी हुई? 27। अब उस नक्षत्रों में अब 24 घंटे का हो गया तुम्हारा एक दिन रात, यानी एक नक्षत्र का कार्यकाल करीब करीब 24 घंटे का होता है। लेकिन उसमें तिथियों में भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो कोई नक्षत्र 20 घंटे का हो गया तो कोई 30 घंटे का हो गया। ऐसे नक्षत्रों में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वैसे तो ज्यादातर 27 या 28वें दिन भी पड़ सकता है। नक्षत्र यही वाला, यानी जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, जिस चरण में जन्म हुआ है, उसी नक्षत्र में उसी चरण में मूल उतरवाना चाहिए। वो चाहे 27वें दिन पड़े या 28वें दिन पड़े, यानी दिन की कोई कीमत नहीं है, नक्षत्र की कीमत है। समझ गए होंगे? तो आज के बाद में ये सवाल नहीं करेंगे कि 27वें दिन क्यों नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अश्लेषा नक्षत्र का जन्म और चंद्रमा उस समय पे, अपना चंद्रमा जो है उस समय कर्क राशि पे दृष्टि चंद्रमा की थी। किसकी थी? कर्क राशि पे। इसलिए जातक का जो नाम होता है, राशि का जिसको नाम कहते हो, वो इस क्रिया का जो राशि बनेगी वो क्या बनेगी? कर्क बनेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ने उसको प्रमाणित कर दिया उस समय दृष्टि डाल करके। चंद्रमा, अच्छा और सुनिएगा, कर्क राशि, लग्न मकर है। दो राशि होती है, एक लग्नेश होती है, एक राशि होती है। तो लग्न मकर बनती है, ठीक है। पहले जन्म में ये मूसक थी। मूसक का मतलब चूतिया। और दूसरे जन्म में ये बिल्ली मतलब बिलार बोल सकते हैं उसको, है ना। और सबसे उत्तम क्वालिटी इस बिटिया में है कि ये चंद्रमा स्वामी है इसका। इस राशि का स्वामी जो है वो कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा शीतलता के लिए जाना जाता है। इसके लिए, शीतलता के लिए। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ो। अगला कदम रखते हैं। इसमें जो एक जो इन पे जा रहा है, मतलब दूसरा ये है कि बिटिया का गण जो है वो राक्षस गण है। अच्छा, राक्षस गण का 2 बड़े फायदा होता है, एक बड़ा नुकसान होता है। 2 फायदा ये कि ये दिल के बड़े सांप होते हैं। जो इनके दिल में होता है वो मुंह पे होता है। ये किसी से डरते नहीं, ये किसी से भी नहीं डरते। अगर ये सब तिपे अड़ गए तो कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके आगे। ये इनकी बहुत अच्छाई होती है। ये मतलब बात को घुमाना फिराना या चापलूसी करना ये पसंद, सीधा फटाक फटाक सीधा बोल देते, ये इनके गुण है ना। और न सुनने का तो मतलब अगर कोई असत्यता को उठाने का प्रयास कर रहा है, इसे दबाने का, नहीं हम नहीं साथ देंगे असत्यता का, ये गुण है। और इसी में अवगुण में आ सकते हैं, गुणी है। और अंत नाड़ी है। कौन सी नाड़ी है? अंत नाड़ी। 3 नाड़ी होती है, आदि, मध्य और अंति। तो विद्या का कौन सी नाड़ी है? अंत नाड़ी। नाड़ी वाड़ी तो खैर विवाह के समय देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानकारी होना जरूरी है। और अंत नाड़ी के बाद जल तत्व है। कितने तक होते हैं? 4 तत्व होते हैं। कौन सा? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। कौन कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, ये 4। जिसमें से बिटिया जो है जल तत्व की है। जल तत्व का मतलब शीतलता होता है, यानी कई जगह से ये बहुत कूल दिमाग की रहने वाली है, बाकी भगवान जाने, है ना। 4था चरण है, चांदी का पैर है। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि इसका पैर चांदी का है और चांदी का पैर होते साथ ही चंद्रमा स्वामी है तो ये डबल प्लस पॉइंट बन जाता है क्योंकि चांदी में चंद्रमा का निवास होता है। समझ गए ना? तो मेरे ख्याल से बहुत ठंडे दिमाग की रहेगी। अब फिर चंचल बना देंगे तो फिर उसकी कोई है ना। पंडित जी स्वभाव कोई नहीं बदल सकता। हाँ ये भी बात सही है, स्वभाव जो होता है वो रहता है। चांदी का पैर है, राशि नाम अक्षर वो जो और डूडे डुडेरा डूडे डुडेरा जो यही नाम निकल रहा है। लड़की किसी पर कोई भारी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलों में तो जन्म लिया है पर थोड़ा सा आंशिक भारी थी जो आज वो भी खत्म हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पहला स्नान होना था वो 8 तारीख को होना था, छठी जो होनी थी इसकी 11 तारीख को होनी थी, नामकरण 3 तारीख को होना था जो हो रहा है ना। और इसका लग्न चक्र है, लग्नेश में कहीं से कहीं तक मंगल नहीं है, इसलिए पहला सेफ्टी है कि ये मांगलिक नहीं है, यानी मंगलिक नहीं है, यानी चतुर्थ प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश ये 5 घर अगर कुंडली में मंगल नहीं देख रहा है तो तुम्हारी कुंडली बिल्कुल सेफ है। अब ये सारे इसके विवरण हो गए। अब मुझे बताओ कि नाम क्या रखना है, बस उसी को संकल्प आदित्य डन करते हैं, बदलाव तो नहीं करना है, बस ठीक है। ओम हरि ओम महा ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवती महापुराण से विष्णुवाज्ञापराधे सरस्वती वारा कल्पे वेदंत्रिष्टाविष्टमे कलयुगे कल्पथम चंडे जम्बूदीपे भारतखंडे आर्यावर्ते के दिशा निर्देशे पूर्ण क्षेत्रे धार्तनामस्य द्वारा प्रांते मनोकामना सिद्धार्थाय तद उपरांते शुभ नामस्य आपका उमेश सिंह तद उपरांते शाह उमेश सिंह नामस्य के द्वारा तत्पुत्र अंकुर सिंह नामस्य तत्प्रांते तत्पत्नी सृष्टि अंकुर सृष्टि सह द्वितीय संतान उत्पन्नोहम यथार्थ कन्या रत्न उत्पन्नोहम तत्प्रांते शुभ नामकरणे गत्वाम क्या नाम बताया था दित्या सिंह नामस्य हिम तो मनोकामना राशि नामे से तत् मंगल चरणे गत्वाम संकल्पम समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरि बोल श्री गणपति गणेश भगवान जय। अब मुझे दिखला जो गाजीवादी सारी आने है जो छिपाया गया था नाम वाली अलमारी पे उधर जो अलमारी है ना। हेलो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है? कितनी देर से बैठे हो? ये ना पता कब आई बेजी थी तेरी बेइज्जती होगी मेरी। क्या बेइज्जती हुई? तू बोल रहा था वो चली गई। खा सकते हो? अरे बैठी रहो ना, इससे एलर्जी है। फोटो भी लग गया। सोनल ने पहली बार पकड़ा है क्या बच्चा? क्यों? यहीं खिंचवाओ। ये दूंगी फिर कुच्ची प्लीज लास्ट 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 कुच्ची किसी को दे नहीं 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 कुच्ची नो 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 उन्नी मासी मासी आओ रितिका इधर आना एक मिनट, अपना पर्स चेक कराओ कितने रसगुल्ले भरे तुमने इसके अंदर। रितिका दिखाओ कितने रसगुल्ले भर के लाई हो तुम। ये शेप कहाँ से आया? ये शेप कहाँ से आया? सोनल पर्स चेक कराओ अपना कितने रसगुल्ले भर के लाई हो। ये हमारा क्या है, बोगुला बगुला 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 पंछी बना उड़ता तेरे जूतों की यार, तो अपने पॉकेट में चेक करा दे, अभी चपकता जा रहा हूं। कई लोग सोचते कुछ और नहीं है। चलो वो ऊपर जा रही थी। लो सो हम लोगों ने सृष्टि की बेटी का नामकरण जो फंक्शन था वो अटेंड किया। क्या नाम रखा है बेटी का? दित्या। दित्या दित्या जो है वो लक्ष्मी जी का रूप है और डी से ड से उसका नाम आ रहा था, इसलिए दित्या रखा। मूल में पैदा हुई थी वो, तो वो अलग वो सिनारी। वो पूरा पंडित जी को बुलाऊंगी पूरा। आप लोग आप पूरा देखिएगा। अगर आपने कोई ये लास्ट में आएगा। हाँ हाँ, अगर आपने बीच से पार्ट मिस किया है, कोई व्लॉग का स्किप करके देखा है तो बैक जाइए। बैक कर पंडित जी ने पूजा भी काफी अच्छी कराई है। हाँ। हर एक चीज के बारे में बताया। और किसी को अगर पंडित जी का नंबर चाहिए होगा तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सृष्टि से कांटेक्ट कर लेंगे कि उनका नंबर क्या है। फिर हम पंडित जी से भी कमीशन ले सकते हैं। कमीशन लेंगे बिल्कुल। और हम ये भी बोलेंगे कि भैया मॉम्स गॉसिप के थ्रू आ रहा है तो उनको कोई डिस्काउंट भी करें। हम तो बिल्कुल ही बिजनेस में आ गए यार। चलो एनीवेज, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। खाना बहुत यम था, बहुत यम्मी। हाँ, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मेरे फ्लैट पर, और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाएंगे और फिर मुझे कुछ काम है और मैं वो काम करूँगी। तो कैसा लगा ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।